नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत और इंग्लैंड के बीच जो एडमिस्टन में टेस्ट मैच खेला गया, उसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद टीम इंडिया पर सवाल हैं, टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर सवाल हैं, लेकिन जो काम विराट कोहली के साथ हुआ है वो काम नहीं हुआ। विराट कोहली के साथ जो हुआ उसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। हर कोई हैरान है कि आखिर विराट कोहली के साथ ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि जिस अंदाज में विराट कोहली खेलते थे, जिस लय में विराट कोहली खेलते थे और जिस श्रेणी के विराट कोहली बल्लेबाज थे, उस श्रेणी को देखते हुए अब हर कोई हैरान है। क्योंकि जो रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा, जो आंकड़े मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूं, उन आंकड़ों को जानकर आप वास्तव में हैरान रह जाएंगे कि आखिर विराट कोहली जो आसमान को छू रहे थे वो कैसे नीचे धड़ाम आकर गिर गए, और जो बल्लेबाज नीचे था वो कैसे एकदम ऊपर चला गया। दरअसल ये जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, ये जो तुलना मैं कर रहा हूँ, ये विराट कोहली और जो रूट की हम करेंगे। दरअसल बात 2019 से शुरू करते हैं, जब विराट कोहली शानदार फॉर्म में थे, लगातार रन बना रहे थे, शतक पर शतक लगाते जा रहे थे। 2019 में नवंबर में विराट कोहली के नाम 27 शतक दर्ज थे टेस्ट क्रिकेट में, और जो रूट के नाम केवल 16 शतक दर्ज थे। लेकिन 2019 से 2022 में आ जाइए, केवल इन 2.5 सालों में जो रूट और विराट कोहली के शतकों में जबरदस्त तरीके से अंतर देखने को मिला। विराट कोहली अभी भी 2022 में 27 शतकों पर हैं और जो रूट 12 शतक लगा चुके हैं इन सालों में। 12 शतक लगाकर जो रूट विराट कोहली से आगे निकल गए हैं 28 शतकों के साथ। तो इसीलिए जो उम्मीद किसी को नहीं थी, हर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली इतने पीछे रह जाएंगे जो रूट से, क्योंकि 2.5 सालों में अगर विराट कोहली शतक लगाते रहते तो फिर जो रूट से काफ़ी आगे विराट कोहली रहते। लेकिन विराट कोहली ने वो काम नहीं किया और जो रूट से अब पीछे हो गए हैं। वैसे विराट कोहली नहीं, जो उनके समकक्ष बल्लेबाज हैं, आप केन विलियमसन की बात कर लीजिए, आप स्टीव स्मिथ की बात कर लीजिए, ये सभी बल्लेबाज शतकों के मामले में जो रूट से पीछे हैं। जिस रफ्तार से जो रूट शतक लगा रहे हैं, सारे के सारे बल्लेबाज इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो आपका विराट कोहली की इस फॉर्म को लेकर, जो रूट की बल्लेबाजी को लेकर और शतकों को लेकर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।